हेलो फ्रेंड्स, आपका वेलकम है फिर से हमारे बिंदास सफर में। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने अपना न्यू चैनल स्टार्ट किया है और पहले वाली जो मेरी व्लॉगिंग थी, मेरा चैनल था, वो सब गायब हो चुका है। तो ये बार बार बताने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप जानते ही हैं। और फ्रेंड्स, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स, मेरे हस्बैंड जैसा कि जानते हैं कि घर पर आए हुए हैं और वो अपने किसी काम से जा रहे हैं गाज़ियाबाद, तो उनके साथ मैं भी बाहर जा रही हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको कहना चाहती हूँ कि आप प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करिए। और क्योंकि देखिए फ्रेंड, जब तक आप सपोर्ट नहीं करेंगे, मेरा जो चैनल है वो ग्रो नहीं हो पाएगा। तो मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जैसे आपने मेरे पहले वाले चैनल को किया था। तो बस आप वीडियो देखने से पहले आप लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी ज़रूर करिएगा। तो फ्रेंड्स, बहुत टाइम के बाद मुझे अपने हस्बैंड के साथ मतलब थोड़ी ही आउटिंग करने का मौका मिल रहा है। आउटिंग ज़्यादा दूर नहीं हो रही है कहीं भी, तो जैसे वो गाज़ियाबाद जा रहे हैं तो हम भी उनके साथ जा रहे हैं। बेटी भी आज घर पे है और आयान गया हुआ है आगरा। तो फाइनली फ्रेंड्स, हम लोग जा रहे हैं इनके साथ। तो सोच रहे हैं आज थोड़ी सी मौज मस्ती इनके साथ हो जाती है, क्योंकि आप जानते हैं जैसे कि इनकी बाहर पोस्टिंग रहती है तो हमारा इनके साथ रहना बहुत कम हो पाता है, बहुत ही ज़्यादा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम होते हैं तैयार और फिर चलते हैं इनके साथ। ये जो जगह जगह रेड लाइट पड़ती है ना, बस ये हालत ख़राब कर देती है। सबसे ज़्यादा मुझे टेंशन होती है स्कूटी और बाइक वालों की। और आज फर्स्ट टाइम मैंने सही से अपने सूट को देखा है कि किस टाइप का वर्क है इस पर। आप देख सकते हो कि पापा बेटी को मेरी कोई टेंशन नहीं है, बस अपना मस्त होके आगे आगे जा रहे हैं। और यहाँ पे मैं आई थी मोबाइल के कवर चेंज कराने के लिए। आप देख सकते हो जो न्यू कवर है बिल्कुल वाइट है और जो मेरा पुराना कवर है बिल्कुल येलो हो गया है। बहुत टाइम लगाती हूँ मैं अपने कवर चेंज करने में, तो बस सोचा है मैं अपना कवर चेंज कर लेती हूँ आज। मेरा नारियल पानी हो गया है, किंजा पी रही है और मुझसे कह रही है कि मम्मा आपने बहुत जल्दी पी लिया। आखिर पानी है, गर्मी पड़ रही है तो बहुत जल्दी पी जाते हैं। और मौसम थोड़ा ठंडा हो तो उसमें लगता है कि हाँ चलो लिक्विड है, थोड़ा धीरे 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 पियेंगे। तो वैसे भी ये बहुत जल्दी नहीं पी पाती, बहुत टाइम लगा देती है। और वैसे भी टेस्ट ले लेकर पीती है, फायदा वैसे इसी में ये कि सिप कर करके थोड़ा थोड़ा पीना चाहिए। तो चलिए फाइनली ये तो अपना पी रही है नारियल पानी। और हम लोग आए हैं फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया था गाज़ियाबाद, बस यहाँ पे थोड़े से फ्रूट्स ले रहे थे तो उनका कुछ काम था, हम भी साथ आ गए थे। तो यहाँ पे बस थोड़ा सा काम करके फिर हम निकलते हैं। और आज इनके पास थोड़ा सा टाइम है तो मैंने सोचा है कि कुछ प्लान करते हैं मूवी देखने का। तो सोचा है कि मूवी देख लेते हैं, शाम का शो है। और काफी टाइम से ईद से सोच रही थी कि मतलब मुझे मूवी देखने। हाँ, एक दर्जन ले लीजिए। तो यहाँ पे फ्रूट्स ले रहे हैं तो बार बार मुझसे पूछने आ जाते हैं कि केले कितने लेने और कितने कितने फ्रूट्स लेने। और गर्मी पड़ लेना था, ये थोड़े ही लेना चाहिए, खराब हो जाते हैं। मैंने देखा है, देखिये सेब मैं पहले लेकर आई थी रमजानों में और सब तो खाए तो जाते नहीं है, इफ्तार में भी थोड़ा बहुत ही खाया जाता है, तो वो सारे सेवन ही बेकार होके गए थे। तो चलिए बस ले लेते हैं यहाँ पे फ्रूट्स, उसके बाद थोड़ा सा कुछ खाने के बाद मूवी का प्लान है। तो मूवी देखते हैं और अगर देखेंगे तो आपको जरूर बताएंगे, और कौन सी देखते हैं ये भी हम आपको बता देंगे। तो किन से तुम्हारा नारियल हो गया? Yes. हो गया? Hmm. तो फाइनली इसका भी नारियल हो गया, कितनी देर में पिया होगा? ये मतलब खाना हो या कोई भी खाने पीने कोई भी चीज है ना, बहुत टाइम लगाती है, पर अच्छी बात है। चलिए हम कहीं मार्केट या मॉल आए और ऐसा हो ही नहीं सकता कि किंजा बिना कुछ लिए घर पर जाए। तो यहाँ पे अपने मतलब की चीज़ें उसको देखनी शुरू हो गई है। इसको पाउच वगैरह का बहुत ज़्यादा शौक है, तो बस वही देख रही है। और फ्रेंड्स, मैं भी काफ़ी टाइम से कार्ड होल्डर देख रही थी और फाइनली मुझे मिनीसो में मिल गया। मैंने मार्केट में काफ़ी ट्राई किया, मुझे अच्छा नहीं मिल रहा था। कुछ पता नहीं है कौन इंसान कहाँ है कहाँ नहीं, बस मोबाइल और मोबाइल में क्या था। फाइनली फाइनली हमारा ऑर्डर आ गया। मुझे इतनी तेज भूख रही थी, इनको और किंजा को भूख लग रही थी बहुत ज़्यादा, तो फिलहाल हमने सिर्फ बर्गर और कोल्ड ड्रिंक और किंजा के लिए फ्रेंच फ्राई मंगाए हैं जो किंजा के फेवरेट हैं। और किंजा अगर साथ है तो बस हमने सोचा उसी का फेवरेट होना चाहिए जो वो खाती है शौक से। कैसे लगी?
आजकल फ्रेंड्स आप यूट्यूब पर देख रहे होंगे जो इस टाइप से फ्रूट्स वगैरह की आइसक्रीम बनाते हैं, और ये यहाँ पे जो आइसक्रीम बना रहे हैं ये है वेनिला चॉकलेट आइसक्रीम है, इसको बनाने वाले हैं। और इसके अंदर इतनी आइस भरी होती है, इतना चिल्ड होता है ये, बहुत ही ज़्यादा -20 होता है लगभग। तो इन्होंने, मैंने जब पूछा कि आप बताइए कितना माइनस में होता है, तो उन्होंने कहा कि -20 तो होता ही होता है। और ये है नहीं, देखिए कितना लिक्विड डाला था, और ये 5 मिनट के अंदर अंदर इतनी टाइट और स्ट्रॉन्ग आइसक्रीम बन के तैयार हो जाएगी। जो भैया ने चॉकलेट डाली थी वो तो अच्छे से जम गई है, और ऊपर से डाल दिए हैं चोको चिप और हर्शीज़। तो ये देखिए किस तरीके से रोल बनाएंगे, और एकदम परफेक्ट आइसक्रीम बन के तैयार हो जाएगी। और ये बच्चों की बहुत ही ज़्यादा फेवरेट होती है, लेकिन मुझे फ्रूट्स की बहुत ज़्यादा पसंद है। और मुझे कहीं पर अगर ऐसा मिला कि फ्रूट्स की आइसक्रीम बनती है तो मैं ज़रूर एक दिन आपके साथ शेयर करूँगी, और मैं खाऊँगी ज़रूर। देखिए फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं कि आज मेरा मूवी का प्लान है, तो मूवी मेरी है शाम को 6:40 पे, और अभी हमारे पास टाइम है। तो इन्होंने शॉपिंग करनी शुरू कर दी है, कहने लगा आज मैं तुम्हारे साथ हूँ तो मुझे कुछ शॉपिंग करनी है। अच्छा, कहने का तरीका ये है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ तो आज तुम शॉपिंग कर लो, लेकिन कह रहे थे मुझे शॉपिंग करनी है। तो चलिए ठीक है, ये अपने यूनिफॉर्म के शूज़ ले रहे हैं, और यहाँ पर इन्होंने क्रॉक्स देखी जो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली थी। मोची में आने के बाद कौन सोचता है कि चीज़ कितने की है, तो डेफिनेटली सभी जानते हैं कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती है हर चीज़। तो एक क्रॉक्स हमारी 6,500 रुपये की पड़ रही थी, और ये इन्हें बस क्या करना था, यूनिफॉर्म के शूज़ लेने थे इनको। काफ़ी टाइम से सोच रहे थे कि बस मोची के शूज़ लेने हैं, और ये मुझे अपने लिए मिल गई थी जूतियाँ जो बहुत ही अमेजिंग थी, लेकिन इनका रेट इतना हाई फाई था बहुत ही ज़्यादा। और मैं ट्राई करके देख रही थी, मैं सोच रही थी अगर अच्छी लगी तो मैं ज़रूर ले लूँगी, और पैर में ट्राई किया तो मेरे साइज़ का नहीं था, एक साइज़ बड़ा या एक साइज़ छोटा था। जब मेरा साइज़ नहीं मिला था ना, तो इनको भी लंबी सांस आई कि हाँ इतनी एक्सपेंसिव जूतियाँ थी बहुत ही ज़्यादा। तो सोचते होंगे कहाँ आज मेरी पॉकेट है ना वो बिल्कुल ढीली होने वाली है, तो लेकिन उनकी हमने जान बचा दी, हमने नहीं ली। लेकिन हाँ एक चीज़ ज़रूर ली है, वो मैं आपको दिखाऊँगी अभी। हाँ अच्छा तो लग रहा है, वैसे देख लेते हैं बाकी एक बार, यहाँ देख देख के फिर वहाँ देख लेना, फिर पसंद तो ये है ही। वैसे बड़ा लग रहा है मुझे, लग रहा है ना बड़ा है, ये सबसे छोटा है। मोची में स्नीकर पहनते पहनते कहाँ गए, ट्रेंड में आ गए। फाइनली स्पोर्ट्स शूज ही पसंद आया नहीं, तो ये ले लिए किंजा ने यहाँ पे अपने स्पोर्ट शूज। आपके इस बार थोड़ा डिफरेंट लिया, बिल्कुल पिंक मल्टी शेड हो गए, ग्रीन भी है। पापा जी बिजी हैं वहाँ बातों में। अभी मैंने आपको बताया था ना कि मैंने मोची से कुछ लिया है, तो मैंने एक बैग लिया है, लेकिन इतने सारे बैग हैं इनमें से कोई एक बैग लिया है, तो आप मुझे कमेंट्स करके बताना कि मैंने कौन सा बैग लिया है। शॉपिंग करते करते टाइम का पता ही नहीं चला, और मूवी का हमारा टाइम भी हो गया, तो बस हम जल्दी से आ गए हैं मूवी देखने के लिए। और सबसे अच्छा है ना, मुझे क्या लगता है, अंदर जो स्टेयर पर ये छोटी छोटी लाइट होती है ना, बड़ी खूबसूरत लगती है। और हो गया है अंधेरा, और हमारी जो मूवी है वो स्टार्ट होने वाली है। मूवी में इंटरवल और किंजा के पॉपकॉर्न कंपलसरी है, ये होना ही है। और नेक्स्ट डे हो गया है फ्रेंड्स, जोहान की यहाँ पे देखो मस्तियाँ शुरू हो गई, कितनी बड़ी कैंडी ले रखी है जोहान ने। देखिए मैं पहले भी व्लॉग में बता चुकी हूँ, आप खाने पीने की कितनी भी चीज़ रख देना, लेकिन अगर कैंडी है और कोल्ड ड्रिंक है वो सबसे पहले इन्हीं दोनों को लेगा, बाकी कुछ भी नहीं छुएगा। तो माशाल्लाह यहाँ पे वो उसकी अपनी कैंडी खा रहा है। देखिए फ्रेंड्स, आज है नी किंजा ने कितना बड़ा स्यापा कर दिया, और कितनी चोट मार रखी है किंजा, यहाँ पे रह गया अभी यहाँ इस जगह।
ये लगने थे ना यहाँ पे, नहीं लगे, अभी रेड रेड हो रहा है यार। ये देखिए स्क्रैच आई हुई यहाँ पे, यहाँ पर, और इसका तो यहाँ पे ना, यहाँ से ये नेल्स बच गया है, लेकिन ये जो साइड का जो होता है ना, ये हट गई पूरी खाली यहाँ से। तो ये देखिए ब्लड भी आपको दिख रहा होगा, और ये एल्बो है, एल्बो में भी काफ़ी सारे स्क्रैच आई है। तो मैं आपको बता दी हूँ कि इसके ये सब ड्रामा क्या हुआ। इसकी बग वगैरह अभी भी बंद नहीं हो रही, और कितनी सारी चोट इसने लगा रखी है मैं आपको बताती हूँ। ये गई थी स्कूटी चलाने के लिए, लेकिन इत्तेफाक की बात है आज मैं इसके साथ थी, लेकिन मैं इसको बहुत देर से बोल रही थी मां जाओ शैतानी मत करो। तो इसको काफी देर से मैं इसको बोल रही थी, बेटा ये जो डस्ट पड़ी होती है ना, जहाँ ये कंक्रीट वाले जो रेत होता है ये पड़ा होता है, या बजरी वगैरह होती है ना, इस पे आप स्कूटी चलाओगे ना बहुत जल्दी फिसल जाती है। तो मैं इससे बार बार हमेशा जब भी जब भी स्कूटी चलाती है, मैं हमेशा बोलती हूँ बेटा स्लो चलाना इसके ऊपर से। और आज इसके साथ पता है क्या हुआ, इसने स्कूटी जैसे स्टार्ट की और एकदम काफी देर से चला रही थी, लेकिन हम जहाँ बात कर रहे थे ना, खड़े खड़े मेरी फ्रेंड थी, हम उसके साथ बात कर रहे थे, स्कूटी स्टार्ट करने के बाद एकदम तेज रेस दे दी और वहां पे डस्ट पड़ी हुई थी और बारी बारी उसके अंदर बजरियां थी, उसमें से इतनी तकड़ी मतलब स्पीड के साथ, और इसका डिसबैलेंस हो गया इस तरीके से। मैंने खूब अपनी आंखों से देखा, और जितने मैं पहुंची ना, हम दोनों भागे थे इसके पीछे, मैंने कहा गिरने वाली, और ये इतनी बुरी तरीके से गिरी थी कि अल्लाह का शुक्र है कि इतनी चोट नहीं है, वरना जितनी आज बुरी तरीके से गिरी थी। इसका एक पैर स्कूटी में और इस साइड वाले शोल्डर की साइड से गिरी थी, पूरे कपड़े वपड़े ना वो भी सारे घिसे हो गए हैं। तो अब तो हंसी आ रही है, जब तो बहुत घबरा गए थे इतनी तेज भागे, और बस उन ये बैंडेज वगैरह भी उन भैया ने ही लगाई थी, ये जो ट्यूब लगा हुआ ऑइंटमेंट जो लग रहा है ये भी उन्होंने भैया ने लगा दिया था। फिर अब यहाँ कपड़े इसके चेंज करके और अच्छे से वॉश करा के तब दोबारा इसके लगाया है। तो इतनी सारी स्क्रैचेस आ गई, और सुबह में शायद इसका स्कूल भी कैंसिल होने वाला है, क्योंकि पैर में जो टॉय है उसमें सबसे ज्यादा चोट लगी है, और शूज भी बड़े मुश्किल से पहना जाएगा। और वहां तो घबरा गई थी थोड़ी थोड़ी सी, क्योंकि गिरता ना तो इंसान घबरा ही जाता है। और अब आके दोनों बहन भाइयों ने इतना मजाक उड़ा रखा, मैं भी दिखाती हूँ एक कार्टून को, तो मैं भी दिखाती हूँ दोनों कितना फनी। हाँ मतलब इनको अब मजा आ रहा है, और लेकिन वाकई में बहुत आज तो मतलब इतनी बुरी तरीके से स्कूटियां ना उठाने में मुश्किल हो रही थी इसका, ऐसे। अब आप देख रहे ना इसकी मतलब इतनी चोट लगने के बाद भी इनको अब मस्ती सूझ रही दोनों बहन भाइयों को, और तब इतनी हालत खराब हो रही थी कितनी बुरी तरीके से। मैं नहीं डरी थी, मैं तो बैठा हुआ था कुर्सी पे, और हमारी मरम पट्टी हो रही थी। हाँ सब तुम्हारी खिदमत में लगे हुए थे, है ना। किंजा गिर गई थी तो मैंने सोचा इसको हल्दी का दूध दे दूंगी, तो हल्दी का दूध तो पिया नहीं, और कहने लगी इसे तो अच्छा है बादाम का शरबत बना दो। तो मैंने बादाम भिगो हुए रखे हुए थे, तो कुछ बादाम मैंने छील कर इसको बादाम का शरबत बनाया। उसमें जब मैं बादाम पीस रही थी तो 3-4 काली मिर्च भी डाल देती, उससे टेस्ट भी अच्छा आता और फैट भी नहीं आता। मीठे के लिए मैंने इसमें चीनी नहीं डाली है, मैंने इसमें 2 चम्मच शहद डाला है। और थोड़ा हेल्दी ड्रिंक बनाना है तो कोशिश करिए कि चीनी अवॉइड करो और शहद का इस्तेमाल करो। तो बस 1 चम्मच शहद डालने के बाद मैंने इसको बादाम का शरबत दे दिया, और ये पता है इतना चटपटा खाने वाली है, मतलब कुछ इसको डिफरेंट चाहिए, और सैंडविच वगैरह इसको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये भी आप देख लेना कि सैंडविच किस टाइप की, देखो मैं उसके लिए बना रही हूँ, और इतना परेशान करती है कि मतलब उसको खाना पसंद नहीं है। इस टाइप की कोई भी अतरंग की चीज़ है ना, उसको बना के देते रहो। ब्रेड स्लाइस पर लगा दिया है काफ़ी सारा मेयोनीज, और ऊपर से वो पीनट वाली जो मूंगफली का नमकीन आता है वो डाल दिया है, और इसको ये इतने शौक से खाएगी, मतलब नमकीन होना चाहिए चाहे वो कुछ भी है, और इसको बस चले तो इसको लंच में भी ले जाएगी। और न्यूट्रेला ब्रेड भी इसको बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसने 2 स्लाइस तैयार कर लिया है न्यूट्रेला ब्रेड की। विंडो की पीछे की साइड से कबूतर का बच्चा आकर बैठ गया है, और आप देख रहे होगे मेरा विंडो है ना, उसका जो ग्लास है कितना गंदा हो रहा है, एक्चुअली वह हाथ जाता ही नहीं है, और सेकंड फ्लोर पर कौन साफ़ करने के लिए जाएगा, तो ये वाला जो गिलास है साफ़ हो ही नहीं पाता। और कबूतर का बच्चा बैठा है तो अब ये थोड़ा डरना शुरू हो गया, तो मैं यहाँ से हट जाती हूँ। और ये देखिए हाँ नहीं देखो, थोड़ी देर में ये उड़ गया हो। हम नहीं।
स्कूल के सामने ही आइसक्रीम वाला मिल गया, तो कहने लगे मम्मा बस 2 मिनट का वेट और कर लो और मैं बस आइसक्रीम ले आती हूँ। तो इसको मैंगो फ्लेवर की आइसक्रीम जो होती है बहुत ज़्यादा पसंद है, तो बस उसी को लेने गई है। देखिए इसने बोला था कि मम्मा आप आधे घंटे में मुझे स्कूल लेने के लिए आ जाना, और मैं कम से कम 20 मिनट लेट घर से चली थी। मुझे पता है कि लेट हो ही जाते हैं, और उसके बावजूद भी 10 मिनट मुझे आने में भी लगे, और आधे घंटे से ज्यादा मुझे यहाँ गेट पर लग गया टाइम। तो इसलिए कि करेक्ट टाइम बताना चाहिए ना। सर ने ही बोला था 4:30 तक कि किसी के पास टाइम है या नहीं है, और उसके बाद फिर थोड़ी देर और रुकना है, आइसक्रीम भी खानी है मैंगो फ्लेवर। क्या नाम है आइसक्रीम भी आम वाली ही पसंद है। तो टूर्नामेंट के बारे में बता दो, क्या खेल कर आए हो बता। जीरो बता दी। बताओ क्या खेल कर आए हो, क्या है? तो मैच आपका हो गया गोल। गोल हार गए ना। 8 पॉइंट मारे हमने। 8 पॉइंट मारे और बस एंड मोमेंट पे हार। कोई बात नहीं, हार जीत तो चलती। हमारे स्कूल हमारा हम अंडर 16 में थे और हम हार गए, लेकिन हमारा अंडर 14 फर्स्ट है। तो तुम अंडर 16 में क्यों थे, तुम अभी तो अंडर 14 में हो। तो उससे क्या मतलब है, हो तो अंडर 14 अभी, तब उससे क्या मतलब है। तब भी और अंडर 14 जीत गुड, चलो अंडर 14 में होते तो शायद जीत जाते। अंडर 16 के बच्चों से खेलोगे अंडर 14 के बच्चे तो वो तो ऑटोमेटिकली वैसे भी हारेंगे ही हारेंगे। चलिए ठीक है, चलते हैं घर। देखिए जैसा कि आप देख सकते हैं तैयारी हो रही है इसको खड़वे बनाने। खड़वे बोलते हैं ना इनको शायद, है ना? हाँ खड़वे बोलते हैं। तो ये हमने कभी जोहान को भी नहीं पहनाया, इनको नहीं पहनाया, किंजा को भी नहीं पहनाया, लेकिन हमने सोचा कि राहिब को पहना देते हैं। कैसे ये खुल, अरे खुल सकते ना, ये खुलने वाला है। हाँ, ये नहीं होगा ये। हाँ ये ऐसे डल जाएगा ना ये। ओ आराम से आराम से, ये डल गया, पर ये तो मुझे लग रहा टाइट है शायद। नहीं ठीक है, ये अच्छा है। देखिए हमने सोचा इतने टाइम से ये सब रखे रहते हैं ना बच्चों के, चलो किसी पे तो थोड़ा सा एक्सपीरियंस करें कि किसी पे तो पहना के देखें कैसे लगते हैं। पर बच्चे नहीं डिस्टर्ब होते हैं कि हम लोग बड़े बड़े पहनते हैं ना तो हमें भी दिक्कत होती है, चुभेगा ना पैर में। बिल्कुल 100%। लेकिन जब ये खरन खरन बसते हैं ना लगते तो अच्छे हैं। ये बच रहा है जब चलने लगे बच्चा। हाँ तब तो ये सारे ही पहनेगा, ये कोई लड़की है कि पायल लगे पहनेगा। ए बेटे राहिब पायल पहना दी मम्मी ने। बेटे राहिब इसकी स्माइल कहाँ चली गई, किस सोच में हो बेटे, आज आपकी स्माइल कहाँ चली गई? नहीं आज तो इसकी स्माइल गायब गायब। आई 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 आज तो नहीं, नहीं वरना हर सेकंड पर कुछ भी कहो ना एकदम मुस्कुरा देता है। ओ ये देखो ये चला ना पैर राहिब, देखिए ऐसे करके लग जाएगा दूसरे पैर में लगेगा। किंजा 2 दिन से पाव भाजी मांग रही थी तो मैं नहीं बना पाई किसी वजह से, तो अपने पापा से कंप्लेंट करी थी कि मम्मा ने पाव भाजी नहीं बनाई है। तो मैं इसको पाव भाजी खिलाने के लिए गई थी बीकानेर, लेकिन वहाँ पे पाव भाजी नहीं थी। सामने इसको डोमिनोज दिख गया तो कहने लगी मम्मा मुझे तो पिज़्ज़ा खिला दो। तो बस मैं फाइनली इसको पिज़्ज़ा खिलाने के लिए आ गई थी। और फ्रेंड्स अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और कमेंट्स करके ज़रूर बताइए फ्रेंड्स कि आपको मेरा ब्लॉग कैसा लग रहा है। ओके अल्लाह हाफिज़।